हो गया, बैठो बंद कर दे यार, टाइम आ जाना। तारीफ के योग्य है काफी भाई, किसी भी की खिलाड़ी के हाथ में दांतों का कड़ा नहीं होना चाहिए, और ये टच का प्रयास सोनू रेड पे। समय लेके रेड करते हुए सोनू किसी भी जानकारी के मोहताज नहीं है, चूरू के माने जाने स्टार है सोनू। स्टेट में इनका ब्रॉन्ज मेडल है कबड्डी प्रतियोगिता में राज्य स्तर पे। और ठुकरिया सर के खिलाड़ी रेड पे और गट्टा मार लिया, शानदार एंकल होल्ड। सोनू रेड पे जर्सी नंबर 3 सोनू पादो सर के होनहार खिलाड़ी है ये। छोड़ दो भाई छोड़ दो, लगी तो नहीं खिलाड़ी के कहीं पे, मेडिकल सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। और ठुकरिया सर के खिलाड़ी रेड पे, और यहाँ पे ठुकरिया सर के खिलाड़ी रेड पे जर्सी नंबर 9 बोनस का प्रयास करेंगे। अच्छे लंबे गेंद के खिलाड़ी है, रनिंग है, टच का प्रयास, लगता है निराशा के साथ वापस लौटना होगा। पाबू सर का डिफेंडर काफी मजबूत नजर आ रहा है, बनवारी कैप्टन अपनी टीम को मेंटेन कर रहे हैं, और सोनू फिर से रेड, लगातार रेड दे रहे हैं। सोनू स्टेमिना की भी हद होती है, कितने टूर्नामेंट हो गए, हर मैच में यही बच्चा है जो लगातार रेड देता है, कम से कम 20 रेड लगातार कर सकता है ये बच्चा। पाबू सर के ग्राउंड में घंटों तक पसीना बहाता है ये लड़का, और ये शानदार निकल गया। थोड़ी सी रेफरी से मिस्टेक, उसके लिए कमेटी माफी मांगती है खिलाड़ियों से। और खाली हाथ वापिस सोनू फिर से रेड पे, स्टेमिना का घड़ा है ये लड़का, काफी फुर्तीला जोशीला लड़का है ये, शानदार क्या किक मारता है, शाबाश, वो व्हाट अ जंप, इस बच्चे के लिए तालियां एक बार में, ग्राउंड में रौनक भर दिया इस लड़के ने, क्या जब था, रिव्यू नहीं हमारे पास, देखने का मन हो रहा है मेरा तो। थर्ड रेड, डू और डाई, करो या मरो, पॉइंट लाना ही होगा। बाबू सर के डिफेंस को चीर के एक पॉइंट लाना होगा या उससे अधिक, तभी अपने आप को सेव कर पाएंगे। बाबू सर का डिफेंस भी नाकाम होने का नाम तक नहीं ले रहा, और ये पकड़े गए पकड़े गए, शानदार डिफेंस बाबू सर का। ठुकरिया सर पिछड़ती हुई, ठुकरिया सर को अगर वापसी करनी है तो सोनू को पकड़ना होगा। अरे भाई सोनू पकड़ो जल्दी, पार पड़ी अपनी जो भाषा है मारवाड़ी, उसको बढ़ावा देते हुए जो आगे की कमेंट्री है वो भाषा है वो मारवाड़ी में चलेगी। तो इसी के साथ हमारे शब्द स्टार्ट होते हैं। एक नंबर वाला लड़का चल रहा है अभी, सोनू रेड पे गए अभी, शहबाज
सोनू को पॉइंट की अभी ताक है, देखते हैं क्या करते हैं ठुकरिया सर के लड़के। सोनू रेड पे, शानदार टच, टच का प्रयास था लेकिन टच नहीं कर पाए और ठुकरिया सर के नन्हे कदमों के साथ रेडर चलते हुए बाबू सर के डिफेंस को चीरने के लिए और यहाँ टच का दावा दीनदयाल को टच किया है। सोनू फिर से रेड पे, थर्ड एंड डू डायरेक्ट करो या मरो, अगर इस रेड में अगर सोनू पॉइंट नहीं ले पाते हैं तो ये आउट हो जाएंगे। क्या टच मारने का प्रयास था, टच का दावा, लगातार प्रयास जारी, ये रनिंग हैंड टच का प्रयास, लेकिन नहीं 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 ये और नहीं हो पाया। शानदार टच का दावा, ये लॉबी में गए और आउट, डिफेंडर आउट, रेफरी का निर्णय सर्वे माने होगा, बहस का टाइम नहीं है भैया। देखो दीनदयाल राजपुरोहित आए भाई और रनिंग हैंड टच का प्रयास, ये बाबू सर के डिफेंस को चीरने का प्रयास, हिमालय जैसा सीना रखने वाला ये बाबू सर का डिफेंस। सोनू फिर से रेड पे, सोनू पिछले 15 रेड कंटिन्यू कर रहे हैं, बाबू सर के और भी रेडरों से निवेदन है कि आप खेल दिखाए भैया। शानदार और डिफेंडर नाकाम रहते हुए और रेडर पॉइंट के साथ चल दिए और ठुकरिया सर के लंबे समय तक कोर्ट में हाफ टाइम कोर्ट चेंज और ठुकरिया सर के प्ले रेड पे और ठुकरिया सर के खिलाड़ी रेड पे, बाबू सर के खिलाड़ी फिसला रहे हैं, ठुकरिया सर के प्लेयर को इतना अनुभव नहीं है, बच्चों के साथ चीटिंग मत करो भाई, ये आपसे कुछ नया सीखेंगे और आप ये सिखाएंगे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अरे जो भी थी लेकिन क्या यार बच्चे हैं आपके सामने ये लड़के, सीनियर से सीखते हैं जो जूनियर लड़के हैं वो क्या सीखेंगे। बनवारी जर्सी नंबर 2 बेहतरीन खिलाड़ी है, चूरू के माने गए खिलाड़ी है बनवारी, इनका भाई भी हंसराज अच्छा प्लेयर है कबड्डी में जो कि अभी आर्मी में है और सोनू पॉइंट के साथ चल दिए। ठुकरिया सर का ग्राउंड खाली, एक रेड रेड बचा है, देखते हैं वापस जा पाता है या नहीं। दीनदयाल की पैनी नजर है खिलाड़ी के बहाव पे, देखते हैं क्या करते हैं, छोटे बच्चे वही ग्राउंड से बाहर है। शाबाश बनवारी ने क्या अंकल होल्ड किया, इस बच्चे को इनाम स्वरूप क्या दें, क्या दें, कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है। टाइम आपको बताया है, जो समय की कदर नहीं करता है फिर समय उसकी कदर नहीं करता है, देख लो आप। सोनू फिर से रेड पे, सोनू के लिए भामा साहे आगे आए भाई, और सोनू खाली रेड के साथ वापस चल दिए। ठुकरिया सर के खिलाड़ी रेड पे, बनिवार अपनी चील जैसी निगाहें टिकाए रखे हैं, क्या पकड़ पाते या नहीं, बहस करने का प्लान था लेकिन नहीं कर पाए। शानदार बाबू सर टीम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्या कहूं, सोनू लाजवाब प्लेयर है कबड्डी के, लंबे स्टेमिना वाले हैं ये खिलाड़ी, जो खिलाड़ी में पंच तत्व होने चाहिए वो है इस खिलाड़ी में, मैंने देखा है इसकी लगन कबड्डी के प्रति क्या खूब है, आने वाले समय में ये बाबूसर का नाम रोशन करेगा।
और यहाँ पे ठुकरिया सर के खिलाड़ी निराश होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, अभ्यास से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता है, अभ्यास सबसे बड़ा होता है। अभ्यास करते रहो, एक दिन आप जरूर विनर बनोगे। और ये बाबू सर के खिलाड़ी ने पकड़ लिया, छोटा सा बच्चा है ये सोनू 04 जर्सी पहन रखे, ये छोटा सा बच्चा क्या एंकल होल्ड करता है। और सोनू फिर से रेड पे, ग्राउंड के अंदर मायूसी का कहर छाया हुआ, खिलाड़ी की नजर टिकी हुई और थर्ड रेड, डू और डाई रेड है। सोनू को कुछ करना होगा अपने जोशीले अंदाज के साथ। सोनू क्या फुर्ती है इस बच्चे में, जिमनास्टिक के खिलाड़ी लगते हैं ऐसे, कभी कभी इसकी बॉडी को ऐसे लचकते हुए देखते हैं हम, भाव को हो जाते हैं क्या क्या चल रहा है। शबाश, ये पकड़ लिए गए सोनू। अरे भाई ऐसे मत करो, देखो यही है आपका भाई है, ऐसे मत पकड़ो। देखो जो खिलाड़ी होता है वो बड़े घर का नहीं छोटे घर का ही आता है, अगर चोट लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। भैया आप मिडिल घर परिवार से आते हो तो आपको पता होगा, बेड रेस्ट दे दिया तो घर वाले छाछ भी नहीं देंगे, दूध की दूर बात रह गई। खिलाड़ी की ठोकरी असर के घुटने टेक दिए हैं, घुटने के बल मत हो, खिलाड़ी की जो प्रशंसा करने का मन नहीं करता। फिर ये बनवारी क्या फुर्तीले है, बनवारी से जो आज तक मैंने रुपए उधार लिए हैं वो वापस लौटाऊंगा अभी के अभी, बनवारी आके आप उन्हें रुपए ले जा सकता है भाई। और सोनू रेड पे और पॉइंट के साथ लौटे जैसे नंबर 9 रेड पे ठोकरिया सर। ठोकरिया सर निरंतर अपने गेम से पिछड़ रही है, उनको वापसी करनी है तो अभ्यास तो नहीं होगा अभी इनसे। और नया रेडर देखने को मिला है खिलाड़ियों में रोमांचक, और ये पकड़े गए, लपक लिया है ठोकरिया सर ने, वापसी का अंदाजा लग रहा है मेरे को। अरे जो डिसीजन लेना है वो जो खिलाड़ी होते हैं वो बोल के नहीं आंखों के इशारों से लेते हैं। ठुकरिया सर का रेडर रेड पे, शाबाश, इस खिलाड़ी के घुटने अगली टीम में तैयार है पातली सर वर्सेस पंद्रह। अगली टीम में तैयार रहे हैं भाई पातली सर वर्सेस पंद्रह, और ये सोनू निकल गए, गेम ओवर, दोनों टीम आ जाए पादली सर वर्सेस बंदना, समय नहीं है।